नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां ना जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं, फिर चाहे वो रहस्य मंदिरों के हों या फिर किसी जगह के। उत्तराखंड में एक ऐसी ही जगह है जहां की धरती में खरबों का सोना दबा हुआ है। इस सोने को अब निकालने की भी कवायद तेज हो गई है। पाल राजवंश की राजधानी रहे अस्कोट क्षेत्र में धरती के नीचे दबे सोने को निकालने के लिए हैदराबाद की कंपनी से करार कर लिया गया है। केंद्र सरकार से प्रस्ताव के विस्तार की स्वीकृति का इंतजार है। वहीं डीडी हाट क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ में मीडिया से बातचीत कर यह जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा है कि पूर्व में कराए गए भूगर्भीय सर्वेक्षण में अस्कोट से जौलजीबी और ओगला से भागीचौरा तक करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र के भूगर्भ में सोना, तांबा, जस्ता और शीशा होने की पुष्टि हो चुकी है। कनाडा की कंपनी ने भी सर्वे किया था। वहीं धरती के गर्भ से सोना निकाले जाने के लिए पूर्व में कनाडा की कंपनी के साथ गोल्ड माइन समझौता हुआ था। कंपनी ने क्षेत्र में कई सुरंग तैयार कर सर्वे पूरा कर लिया था, लेकिन इस बीच अस्कोट अभ्यारण का पैच फंस गया था, जिसके चलते कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ा। उसके बाद हैदराबाद की कंपनी के साथ करार हुआ। वहीं विश्वन सिंह चुफाल ने बताया है कि अस्कोट अभ्यारण का पैच हटने के बाद हैदराबाद की एक कंपनी ने सोना निकालने में रुचि दिखाई है। कंपनी के साथ करार हो चुका है। वहीं पूर्व में सोना, जस्ता, शीशा आदि खनिज निकालने के लिए जो लीज स्वीकृति हुई थी, उसके विस्तार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। खनन कार्य शुरू होते ही क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ जाएगा।